हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रहा है क्या बच्चों? प्लीज कंफर्म करो, अभी आवाज आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है? तो फिफ्थ क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है कि क्यू में वैल्यू इंसर्ट कैसे होता है और क्यू से वैल्यू डिलीट कैसे होता है? तो क्यू अगर देखेंगे तो क्या फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या फॉलो करता है? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। क्यू अगर देखोगे तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? यहाँ पे इंसर्शन कहाँ पे होता है? रेयर में। इंसर्शन कहाँ पे होता है? रेयर में। वैल्यू डिलीट कहाँ से होता है? वैल्यू डिलीट कहाँ से होता है? फ्रंट से। कहाँ से डिलीट होता है? फ्रंट से। अभी यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए गए, ये प्रोग्राम हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम में किया क्या है। सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट और रेयर दोनों को क्या सेट किया है? क्यू माइनस वन सेट किया है। माइनस वन क्या इंडिकेट करता है? कि फ्रंट और रेयर दोनों माइनस वन है, इसका मतलब मेरा क्यू खाली है। इसका मतलब क्या है? मेरा क्यू खाली है। मैं फर्स्ट वैल्यू अगर डालूंगा क्यू में तो फ्रंट और रेयर दोनों बढ़ेगा। फर्स्ट वैल्यू अगर क्यू में डालूंगा तो क्या बढ़ेगा? फ्रंट और रेयर दोनों बढ़ेगा। मगर फर्स्ट वैल्यू डालने के बाद मैं और कोई भी वैल्यू डालूंगा तो क्या इंक्रीज होगा? खाली रेयर। क्या इंक्रीज होगा? खाली रेयर। ये हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे प्रिंटफ लिखा है। अभी डू वाइल सबको पता है क्या? क्या रहता है डू वाइल? क्या रहता है डू वाइल? डू वाइल का मतलब क्या रहता है? मतलब क्या डू वाइल का मतलब क्या है? समझो, तुमने तुमने कहीं पे जाके इंटरव्यू दिया तो वो इंटरव्यू को तुम्हें अलाउ करेगा बिना जाने कि तुम कितने बेवकूफ हो, सही कि नहीं? अगर तुम कहीं पे इंटरव्यू देने जाओगे तो पहली बार अलाउ करेगा ना? फर्स्ट राउंड के लिए तुमको अलाउ करेगा, भले तुमको कुछ आता है नहीं आता है, उसको पता है नहीं पता है, कुछ भी रहने दो, तुम्हें अलाउ करेगा। तो उसने डू किया, क्या किया उसने? नेक्स्ट राउंड में कब भेजेगा तुमको? कब भेजेगा? जब तुम पहला वाला जो राउंड था वो क्लियर करोगे। तो नहीं तो भेजेगा क्या? नहीं तो भेजेगा क्या? नहीं भेजेगा। ये डू वाइल है। क्या है ये? डू वाइल है। फर्स्ट टाइम पे वो अलाउ करेगा बिना कंडीशन देखे। नेक्स्ट टाइम पे कब अलाउ करेगा? वो कंडीशन देख के। कभी नेक्स्ट टाइम पे अलाउ करेगा? कंडीशन देख के। अगर कंडीशन ट्रू है तो वाइल में तुम्हें अलाउ करेगा, नहीं तो अलाउ नहीं करेगा। डू का मतलब समझा क्या? डू वाइल का मतलब समझा क्या बच्चों? क्या रहता है डू वाइल का मतलब? पहली बार एग्जीक्यूट करेगा बिना कंडीशन चेक किए, उसके बाद क्या करेगा? वो कंडीशन चेक करके फिर ही उसको अलाउ करेगा डू के अंदर, नहीं तो अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे डू के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे डू के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इंसर्ट के लिए क्या लिखा हुआ है? वन। डिलीट के लिए क्या लिखा हुआ है? टू। एग्जिट के लिए क्या लिखा हुआ है? थ्री। तो अगर मैंने वन दबाया तो क्या होगा? इंसर्ट होगा। टू दबाया तो क्या होगा? थ्री दबाया तो क्या होगा? ये वन टू थ्री क्या होगा? केसेस होंगे। ये वन टू थ्री क्या होंगे? स्विच। याद स्विच पता है क्या सबको? क्या रहता है स्विच? क्या रहता है स्विच? स्विच स्विच मतलब क्या रहता है? मैंने जो बटन दबाया वही बटन चालू रहेगा, बाकी बटन बंद रहेगा। जो बटन दबाया मतलब जो ऑप्शन मैंने क्लिक किया, मैंने ऑप्शन वन क्लिक किया तो कौन से केस में जाएगा वो? केस वन में। केस वन के बाद में टू पे जाना चाहिए क्या? नहीं जाने के लिए तुम लोग केस के अंदर क्या डालते हो? ब्रेक डालते हो। क्या डालते हो? ब्रेक। ये तुमको पता है तो हम लोग आगे बढ़ते। तो केस वन किसके लिए? इंसर्ट के लिए। केस टू किसके लिए? डिलीट के लिए। केस थ्री किसके लिए? बाहर आने के लिए। केस थ्री किसके लिए? बाहर आने के लिए। तो केस वन में क्या किया वो देखते हैं। केस वन में क्या बोला उसने? एंटर द आइटम टू बी इंसर्टेड। एंटर द आइटम टू बी इंसर्टेड। वो आइटम किससे लेगा? वो स्कैनएफ से। वो आइटम किससे लेगा? वो स्कैनएफ से। जो आइटम ले रहा है वो किसके अंदर स्टोर कर रहा है? नंबर करके वेरिएबल में। कौन से वेरिएबल में स्टोर कर रहा है? नंबर वेरिएबल। ऊपर डिक्लेयर किया है ना यहाँ पे? सब लोग ध्यान दो ना बच्चों, ये आता है एग्जाम में। यहाँ पे उसने क्या बोला? एंटर द आइटम टू बी इंसर्टेड। ये किसमें बोला उसने? प्रिंटएफ में। तो क्या दिखाएगा वो? जब भी मैं वन चॉइस दूंगा तो क्या दिखाएगा? एंटर द आइटम टू बी इंसर्टेड। और वो रुका रहेगा। क्यों रुका रहेगा? क्योंकि उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? स्कैनएफ लिखा है। स्कैनएफ का मतलब क्या रहता है? वो तब तक रुका रहेगा जब तक तुम वैल्यू नहीं दोगे। वो तब तक रुका रहेगा जब तक तुम वैल्यू तुमने वैल्यू दिया समझो तुमने वैल्यू दिया 22। तुमने वैल्यू जो दिया वो 22 दिया। 22 के साथ में वो क्या करेगा? किसके अंदर डालेगा 22? नंबर करके वेरिएबल के अंदर। किसके अंदर डालेगा? नंबर वेरिएबल के अंदर। समझा क्या बच्चों?
उसके बाद में क्या चेक हुआ यहाँ पे, उसके बाद क्या चेक हुआ, जो रेयर है मेरा वो मैक्स माइनस वन है क्या, क्या चेक हुआ, क्यों चेक किया रेयर मैक्स माइनस वन, ओवरफ्लो चेक करने के लिए। अगर रेयर मेरा मैक्स माइनस वन है मतलब मेरा मेरा जो क्यू है वो भर गया, मेरा जो क्यू है वो भर गया, तो वो चेक किया उसने कि रेयर जो है वो मैक्स माइनस वन है क्या। अगर है तो क्या बोला उसने, क्यू इज फुल बोला, नहीं है तो क्या बोलेगा वो, नहीं है तो वो रेयर को एक से बढ़ाएगा, नहीं है तो क्या करेगा वो रेयर को एक से बढ़ाएगा, और फिर क्या करेगा रेयर के पोजिशन पे नंबर को डाल दिया, रेयर के पोजिशन पे किसको डाला, ए क्या है मेरा, ए मेरा अरे का नाम है, ए मेरा किसका नाम है, अरे का नाम है, ठीक है ना। तो ए ऑफ क्या आएगा इधर पे, ए ऑफ फर्स्ट टाइम पे क्या आएगा, ए ऑफ क्या आएगा फर्स्ट टाइम पे, ए ऑफ जीरो आएगा फर्स्ट टाइम पे। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे रेयर का वैल्यू फर्स्ट टाइम पे क्या सेट है, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, रेयर का वैल्यू क्या है, माइनस वन प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो रेयर का वैल्यू फर्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगा, जीरो। रेयर का वैल्यू फर्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगा, तो पहला वैल्यू कहां पे जाएगा, जीरोथ पोजीशन पे, कहां पे जाएगा, जीरोथ पोजीशन पे। तो यहां पे वैल्यू डाल दिया, फिर क्या चेक किया कि फ्रंट भी जीरो है, फ्रंट माइनस वन है क्या, क्या चेक किया उसने, क्यों चेक किया फ्रंट माइनस वन, दोनों अगर माइनस वन है इसका मतलब क्या है, मेरा क्यू क्या है, एम्प्टी है। अगर मेरा क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट रेयर दोनों बढ़ता है, अगर मेरा क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट और रेयर दोनों बाकी केस में नहीं बढ़ता। तो देखो यहाँ पे चेक क्या डाला उसने, इफ फ्रंट इक्वल टू क्या है, तभी फ्रंट को क्या किया उसने, जीरो किया, नहीं तो वो नहीं करेगा। समझा गया ये, उसके बाद में क्या किया, ब्रेक किया। तभी ये जो फर्स्ट केस था उसमें क्या हुआ, वापस बोलता हूं मैं, सबसे पहला चेक क्या किया उसने, ओवरफ्लो है क्या, ओवरफ्लो कैसे चेक किया, रेयर इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन है क्या, अगर है तो क्या बोलेगा वो, ओवरफ्लो हो गया, नहीं है तो क्या करेगा वो, रेयर को एक से बढ़ाएगा, क्या करेगा वो रेयर को एक से, रेयर का वैल्यू क्या है, अगर समझो रेयर का वैल्यू और फ्रंट का वैल्यू माइनस वन है तो रेयर क्या हो जाएगा, जीरो। अभी उसने चेक किया, क्या चेक किया कि फ्रंट मेरा माइनस वन है क्या, ऐसा चेक क्यों किया, रेयर और फ्रंट दोनों अगर माइनस वन रहा मतलब मेरा फर्स्ट वैल्यू आ रहा है, फर्स्ट वैल्यू आएगा तो क्या करना रहता है, दोनों को इंक्रीज करना पड़ता है, फ्रंट को भी और रेयर को भी। तो वही केस में खाली फ्रंट इंक्रीज हो गया, तो देखो यहाँ पे क्या किया, फ्रंट इक्वल टू माइनस वन चेक किया, अगर माइनस वन है तो फ्रंट को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अभी समझो रेयर मेरा फाइव है और मेरा मैक्स माइनस वन कितना है, सेवन है, तो फिर वो केस में क्या होगा, रेयर का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइव से सिक्स, और फ्रंट इक्वल टू माइनस वन है क्या, नहीं है, तो उस केस में मेरा ये होगा क्या, कुछ नहीं होगा। समझा क्या, तो ये फर्स्ट ही कंडीशन में होगा, बाकी केस में नहीं होगा, जब भी मेरा क्यू एम्प्टी है तभी ये चीज होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझा ना, ये समझा क्या बच्चों, ये हो गया मेरा इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन क्यू, ये मेरा क्या हो गया, इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन क्यू। नेक्स्ट क्या है, डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम क्यू। डिलीशन के लिए मैं क्या करूंगा, डिलीशन के लिए किसको कम करना पड़ता है, किसको इंक्रीज करना पड़ता है, फ्रंट को। डिलीशन के लिए किसको इंक्रीज करना पड़ता है, फ्रंट को। डिलीशन के लिए रेयर को इंक्रीज करते हैं क्या हम लोग, नहीं, फ्रंट को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे चेक किया उसने, क्या चेक किया, फ्रंट माइनस वन है क्या, अगर फ्रंट माइनस वन है मतलब मैं क्या बोलूंगा, क्यू एम्प्टी है, फ्रंट माइनस वन है तो डिलीशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो मैं क्या बोलूंगा, क्यू एम्प्टी है। अगर फ्रंट माइनस वन नहीं है इसका मतलब क्या है, फ्रंट का वैल्यू जीरो होगा, वन होगा या टू होगा, सही कि नहीं, तो फ्रंट का वैल्यू कुछ भी रहने दो, उसका वैल्यू मैंने लेके कहां पे डाला, नंबर में डाला, ए ऑफ फ्रंट में जो भी है उसको मैंने कहां पे डाला, क्यू नंबर में डाला, क्योंकि क्या डिलीट किया वो मुझे बताना है, तो वो वैल्यू मैंने लेके किस में डाला, नंबर में डाला। फिर मैंने यहां पे शो किया, क्या शो किया, डिलीटेड एलिमेंट इज नंबर। फिर ये जो मेरा फ्रंट है उसको मैं एक से बढ़ा दूंगा, ये जो मेरा फ्रंट है उसको मैं क्या करूंगा, एक से बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चेक क्या हुआ, अभी ये भी एक चेक इंपॉर्टेंट है, फ्रंट रेयर दोनों सेम कब होगा, जीरो के केस में या मैक्स माइनस वन के केस में, फ्रंट रेयर दोनों सेम कब होगा, जब एक ही एलिमेंट है तो, फ्रंट और रेयर सेम कब होगा जब एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है और उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो फिर क्या करना चाहिए,
दोनों को माइनस वन सेट करना चाहिए। समझो मेरा फ्रंट भी फोर है, मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं, ये मेरा क्यू है, ये मेरा क्यू है, ये मेरा वैल्यू है 17 करके वैल्यू है, यही मेरा फ्रंट है, यही मेरा रेयर है। तो फ्रंट और रेयर दोनों क्या हो गया, फ्रंट और रेयर दोनों क्या हो गया, थ्री हो गया। फ्रंट और रेयर दोनों क्या हो गया, थ्री, सही कि नहीं। तो जब फ्रंट रेयर दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, एक ही वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है। सिंगल वैल्यू को अगर मैंने डिलीट किया, फ्रंट रेयर क्या हो जाना चाहिए, फिर माइनस वन हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा क्यू एम्प्टी हो जाएगा ना। वापस बोलता हूं मैं बच्चों, अगर सिंगल वैल्यू रहेगा ना तभी फ्रंट और रेयर सेम रहेगा। कौन से केस में फ्रंट और रेयर सेम रहेगा, सब लोग बोलो, सब लोग जोर से बोलो, सिंगल वैल्यू के केस में ही फ्रंट और रेयर सेम रहेगा, बाकी केस में नहीं रहेगा, बाकी केस में नहीं रहेगा। तो यहां पे फ्रंट और रेयर सेम है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे चेक देखो क्या किया उसने। फ्रंट, अगर फ्रंट इक्वल टू रेयर, फ्रंट इक्वल टू रेयर है, तो मैंने क्या किया, फ्रंट को और रेयर को दोनों को क्या किया, माइनस वन सेट किया। अगर वो नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्रंट को एक से इंक्रीज कर रहा हूं। समझो मेरा फ्रंट क्या है, फ्रंट मेरा थ्री है और रेयर मेरा फाइव है। तो क्या करना चाहिए मुझे, फ्रंट मेरा थ्री है, रेयर मेरा फाइव है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, फ्रंट को एक से बढ़ाना चाहिए, रेयर को कुछ करना चाहिए क्या, नहीं। समझाना, ये जो वैल्यू डिलीट कर रहा हूं उसको सबसे पहले मैंने किसमें डाला, नंबर में। ये जो वैल्यू डिलीट कर रहा हूं उसको सबसे पहले किसमें डाला, नंबर में। अभी फ्रंट क्या था मेरा, थ्री था, तो यहां पे अगर मैंने लिखा फ्रंट ऑफ थ्री तो क्या मिलेगा मेरे को, फ्रंट ऑफ थ्री लिखा तो क्या, ए ऑफ थ्री लिखा तो क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। क्या मिलेगा, 17 मैंने किसमें डाला, नंबर में। फिर क्या बोला मैंने, डिलीटेड एलिमेंट इज, जो भी नंबर है वो, तो क्या बोलेगा वो, डिलीटेड एलिमेंट इज 17। फिर उसके बाद में मैंने क्या चेक किया, फ्रंट रेयर दोनों सेम है क्या, अगर सेम है तो क्या करूंगा मैं, माइनस वन सेट करूंगा। सेम नहीं है तो क्या करूंगा मैं, फ्रंट को खाली बढ़ाऊंगा। समझा क्या बच्चों, यहाँ पे दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, सिंगल एलिमेंट है उसका चेक, मतलब यहाँ पे टोटल तीन चेक है। पहला चेक है कि वो एम्प्टी है क्या, दूसरा चेक है कि सिंगल एलिमेंट है क्या, और तीसरा क्या है, दोनों नहीं है मतलब क्या करना है मेरे को, फ्रंट को बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। समझाना, ये तीनों सिनेरियो समझा क्या बच्चों, कुछ डाउट है क्या इसमें, आगे बढ़े क्या। तो केस थ्री में क्या किया उसने, केस थ्री में क्या किया, एग्जिट जीरो लिखा है, इसका मतलब क्या है, बाहर आ जाएगा कोड के बाहर आ जाएगा। एग्जिट जीरो का मतलब क्या है, प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। समझा क्या, तो पहला जो केस है वो क्या है, इंसर्ट का, दूसरा जो केस है वो क्या है, डिलीट का, तीसरा जो केस है वो क्या है, एग्जिट का। अभी यहां पे उसने क्या पूछा, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, वन फॉर यस टू फॉर नो। अगर मैंने ये कैरेक्टर में वन दबाया तो क्या होगा, वापस से वो पूछेगा, इंसर्ट करना है क्या, डिलीट करना है क्या, या एग्जिट करना है क्या। वन दबाया तो क्या करेगा वो, इंसर्ट करेगा, टू दबाया तो क्या करेगा वो, डिलीट करेगा। समझाना, ये कुछ डाउट है क्या बच्चों, पक्का समझा क्या, आगे बढ़ते। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, कंसिडर द ग्राफ गिवन इन द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ऑल सिंपल पाथ फ्रॉम 1 to 5। तो 1 to 5 क्या है, 1 से 5 तक जाने वाले पाथ चाहिए। तो क्या है 1 से 5 तक जाने वाले पाथ, 1 2 5, 1 2 3, 1 3 2 5, 1 3 5, 1 3 5 नहीं है ना, 1 3 5 नहीं है, दो ही पाथ है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, इन डिग्री ऑफ एंड आउट डिग्री ऑफ 4, 4 का इन डिग्री कितना है और आउट डिग्री कितना है। इन डिग्री 1 है, आउट डिग्री कितना है, क्यू 0 है बेटा बता, इन डिग्री 1 क्यों है और आउट डिग्री 0 क्यों है बता, नहीं नहीं ऐसा नहीं बता, 4 किधर है, इधर पे 4 दिख रहा है, इधर को कहां पे दिख रहा है, ये वाला है। इन डिग्री मतलब क्या रहता है, उसके तरफ आने वाले, तो आने वाले कितने एजेस है, 1 है, तो इन डिग्री कितना होगा, इससे बाहर जाने वाले कितने, 1 भी नहीं है, तो कितना होगा, आउट डिग्री 0 होगा, वेरी गुड। 5 का बता कितना है, इन डिग्री भी 1 है और आउट डिग्री भी 1 है। समझाना बच्चों, 2 का बता, 2 का बता, तू बता 2 का कितना है, 2 का इन डिग्री और 2 का आउट डिग्री, इन डिग्री 2 है, आउट डिग्री कितना है, 1 है। भाई
भाई इधर पे ही रहना, तू किधर गया, कहीं पे बाहर है क्या, तू ख्यालों में, दिवाली है क्या। सुनो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गिव एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर द गिवन फिगर। एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना अपने को, कैसे बनेगा इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये साइड में क्या लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5, और वो साइड में क्या लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5। 1 से 2 के लिए है तो क्या आएगा 1, 1 से 3 के लिए है तो क्या आएगा 1, बाकी सबके लिए क्या आएगा 0। 2 के लिए बता, 2 के लिए 1 किसको आएगा, 2 के लिए बता, उसको बोलने दे, 2 से किसके लिए आएगा 1, 5 के लिए 1 आएगा, और किसी के लिए नहीं आएगा, 2 से 5 के लिए 1 आएगा, बाकी सबके लिए 0 आएगा, तू बता 3 के लिए क्या आएगा बता, तेरे पीछे वाली तू ही जो नींद में, समझ गई ना, बता 3 के लिए क्या आएगा बता, क्या दो है, क्या पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन, वो बता पहले। अब शुरुआत वहां से करते, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा वो बता। एडजेसेंसी, एडजेसेंसी मैट्रिक्स पूछ रहा हूं मैं, तो 3 से कौन से एडजेसेंट है बता, 2 और 4 के लिए क्या आएगा 1 आएगा, बाकी सबके लिए 2 और 4 के लिए 1 आएगा, बाकी सबके लिए 0 आएगा, तेरी दोस्त को बुला, 4 का बता, कोई नहीं है 4 का एडजेसेंट, कोई नहीं है, तू बोल 5 के लिए कौन क्या क्या आएगा, 5 के लिए 3 आएगा, समझा ना, 5 के लिए 3 के लिए 1 आएगा, बाकी सबके लिए 0 आएगा, समझा ना बच्चों। एडजेसेंसी लीस्ट कैसे बनेगा ये भी तुमको पता है, पता है ना, ये एग्जाम में आता है बच्चों, इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आगे बढ़े क्या, समझा ना सबको, आगे बढ़ते, आउट डिग्री के लिए ही होता है, इन डिग्री के लिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग अ पर्टिकुलर नोड इन अ गिवन लिंक लिस्ट। सुनो ना ये क्वेश्चन क्या है, राइट एन एल्गोरिथम टू सर्च अ पर्टिकुलर नोड इन अ गिवन लिंक लिस्ट। एक लिंक लिस्ट है, उसके अंदर मुझे एक नोड को, नोड के अंदर क्या डेटा है वो आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे अपन, ट्राइवर्स करके, वेरी गुड, ट्राइवर्स करके, कहां तक जाएंगे हम लोग ट्राइवर्स करके, जब तक वो वैल्यू मिल नहीं जाता, तो व्हाइल लूप में क्या लिखेंगे, पीटीआर का डेटा शुड बी इक्वल टू, जब तक व्हाइल पीटीआर का डेटा नॉट इक्वल टू क्या होता है, नॉट इक्वल टू क्या होता है, जो हम ढूंढ रहे, तब तक व्हाइल लूप घुमाएंगे ना, तब तक घुमाएंगे हम लोग वापस, ये अंदर क्या लिखा है वो बोलता हूं मैं, अंदर क्या लिखा है वो बोलता हूं मैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला उसने, डिक्लेयर अ फ्लैग नंबर करके, मतलब डिक्लेयर वेरिएबल नंबर करके, जिसके अंदर क्या डालेंगे, क्या ढूंढना है, समझो मेरे को 17 ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा 17। फ्लैग क्या है, मुझे वैल्यू मिला कि नहीं मिला, तो मिला तो फ्लैग मैं क्या सेट करूंगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया 1 है, नहीं मिला तो 0। फिर यहाँ पे पॉइंटर है जिसका नाम क्या है, टेम्प करके, मैंने सर्च एलिमेंट ले लिया जो मुझे ढूंढना है, पॉइंटर को किससे इनिशियलाइज किया मैंने, स्टार्ट से, टेम्प को किससे इनिशियलाइज किया, टेम्प को किससे इनिशियलाइज किया, स्टार्ट से, तो टेम्प के अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा, स्टार्ट का, तो टेम्प कहां से लेके कहां तक जाएगा, स्टार्ट से लेके लास्ट एलिमेंट तक, या तो सर्च एलिमेंट तक, लास्ट एलिमेंट तक या तो सर्च एलिमेंट, दोनों में से जो भी पहले आ गया वो बंद हो जाएगा। अगर मैं लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गया और मुझे वैल्यू नहीं मिला तो भी मुझे क्या करना है, बंद कर देना है, समझा ना बच्चों। तो यहां पे देखो रिपीट स्टेप 6 अंटिल क्या बोला उसने, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, मतलब मैं लास्ट एलिमेंट तक जाऊंगा और हर बार क्या चेक करूंगा, मैं हर बार चेक क्या कर रहा हूं, टेम्प का जो इन्फो है, मतलब टेम्प का जो डेटा है, इज इक्वल टू क्या है, जो मैं ढूंढ रहा हूं वो, अगर इक्वल हुआ तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मैं फ्लैग को 1 सेट करूंगा और बोलूंगा बाहर आ जा, समझा क्या बच्चों, इसमें कुछ है नहीं, वापस बोलता हूं मैं, इसमें जो लिखा है वापस मैं बोलता हूं, बेसिकली यहां पे क्या किया है पता है क्या, लिंक लिस्ट में ट्राइवर्स किया है, कहां से लेके कहां तक, फर्स्ट से लेके लास्ट तक, लास्ट तक, फर्स्ट से लेके लास्ट तक, अगर मुझे फर्स्ट से लेके लास्ट तक जाना है, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को किसको असाइन करना पड़ेगा, टेम्प को या पीटीआर को, कुछ भी रख लो, ठीक है ना,
तो मेरा पीटीआर इक्वल टू मैंने क्या लिखा, पीटीआर इक्वल टू क्या लिखा मैंने, स्टार्ट लिखा। फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, वाइल, वाइल क्या लिखूंगा मैं, वाइल में क्या लिखूंगा मैं, वाइल पीटीआर, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। अंदर क्या चेक करूंगा मैं, इफ इफ पीटीआर का डेटा, इफ पीटीआर का डेटा इक्वल टू नंबर है तो क्या बोलूंगा मैं, फ्लैग इक्वल टू वन। क्या बोलूंगा मैं, फ्लैग इक्वल टू वन। नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं तो ये वाइल लूप में मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। तो ये वाइल लूप यहां पे चालू हुआ, ये वाइल लूप यहां पे खत्म हुआ। यही लॉजिक है तुम्हारा, एक्चुअली देखोगे तो यही लॉजिक है और कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टार्ट को पीटीआर से पॉइंट किया, फिर क्या किया मैंने, वाइल लूप कहां तक लेके गया मैं, लास्ट तक। लास्ट तक जाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू, बस ना कितना बात करेगी श्रद्धा, लेक्चर को आई है उसमें भी तो बात ही की जा रही है। तो वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल का मतलब क्या है, ये कब तक चलेगा, जब तक वो लास्ट तक नहीं पहुंचता। लास्ट तक कैसे पहुंचेगा वो, ये लाइन से। ये लाइन क्या करने के लिए काम आता है, तुम्हारे तुम्हारे लिंक लिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम आता है। पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट मतलब क्या, लिंक लिस्ट को आगे बढ़ाएगा। कब तक बढ़ाएगा वो, जब तक वो नल नहीं होता। और ये कब रुकेगा, ये कब रुकेगा, अगर मेरा पीटीआर का डेटा नंबर है तो फ्लैग वन सेट करेगा और क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक क्यों लिखा हमने यहाँ पे, ब्रेक क्यों लिखा हमने, मतलब वाइल लूप में वापस से घूमने का जरूरत नहीं है। 17 अगर मिल गया तो वाइल लूप को फिर से घुमाने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं मिला तो ही घुमाने का जरूरत है। समझा ना बच्चों, आगे बढ़ेगा फिर, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते, नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते। नेक्स्ट प्रोग्राम है क्वेश्चन 6 का, सिलेक्शन सॉर्ट हम लोगों को करना है। सिलेक्शन सॉर्ट कैसे करते, सिलेक्शन सॉर्ट कैसे करते, नहीं सिलेक्शन सॉर्ट कैसे करते, हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें मिन करना है या मैक्स करना है। अगर मिन करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन को कंसीडर करेंगे और हर एक से कंपेयर करेंगे, और स्वैपिंग का चांस है तो स्वैप करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे डाला है, यहाँ पे डाला हुआ है। तो क्या किया हमने, 37 को किससे कंपेयर किया, 12 से कंपेयर किया। अगर स्वैपिंग का चांस है तो क्या किया, अभी हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या रहता है, छोटे से बड़ा, सही कि नहीं, बोल तुम्हारे को बोलने क्या। तो मैंने 37 को 12 से कंपेयर किया, 37 बड़ा है, 12 क्या है, स्मॉल वैल्यू है। तो 12 कहां पे आ जाएगा, 37 के जगह पे, और 37 कहां पे चला जाएगा, फिर मैं किसको कंपेयर करूंगा, मैं 12 को कंपेयर करूंगा 4 से। 4 कहां पे चला जाएगा, 12 के जगह पे, और 12 कहां पे चला जाएगा, 4 के जगह पे। फिर मैं क्या करूंगा, 4 को कंपेयर करूंगा 90 से, स्वैपिंग का चांस है क्या, आगे बढ़ूंगा मैं। फिर क्या करूंगा मैं, 49 से कंपेयर करूंगा, चांस है क्या, नहीं है। फिर 4 को किससे कंपेयर करूंगा मैं, 23 से, स्वैपिंग का चांस है क्या, नहीं है। फिर 4 को किससे कंपेयर करूंगा, 19 से, माइनस 19 है क्या, माइनस 19 से कंपेयर करूंगा। तो माइनस 19 कहां पे आ जाएगा, इसको ना मारने का मन कर रहा है मेरे को, नालायक देख इधर पे क्या तू। तो 4 मेरा कहां पे आ जाएगा बच्चों, 4 कहां पे आ जाएगा, लास्ट पोजीशन पे। और मेरा माइनस 19 कहां पे आ जाएगा, अब मेरा पहला वैल्यू सॉर्टेड है। पहला वैल्यू मेरा क्या है, उसको वापस कंसीडर करना चाहिए क्या। तो मेरा जो पॉइंटर है ना, उसको मैं एक से आगे बढ़ाएगा। अब मैं कौन से वैल्यू को सॉर्ट करेगा, सेकंड पोजीशन के। अब मैं कौन से वैल्यू को सॉर्ट करेगा, फिर मैं क्या करेगा, 37 को किससे कंपेयर करेगा, 12 से। स्वैपिंग का चांस है क्या, है। 12 कौन से साइड में आ जाएगा, करते जाएगा मैं ऐसा। फिर 12 किससे कंपेयर होगा, यहां पे देखो 12 इससे कंपेयर हुआ, फिर 12 90 से कंपेयर हुआ, 12 49 से हुआ, 12 23 से हुआ, 12 किससे हुआ, 4 से। स्वैपिंग का चांस था ना, तो 4 कहां पे आएगा, 12 की जगह पे। 12 कहां पे जाएगा, 4 की जगह पे। तो यहां पे 4 और 19 सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट इटरेशन में हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, 37 को। 37 किससे कंपेयर होगा, सब लोग बोलो, 37 किससे कंपेयर होगा, 90 में स्वैपिंग है क्या, फिर किससे कंपेयर होगा, स्वैपिंग है क्या,
फिर किससे कंपेयर होगा? 23 स्वैपिंग है क्या? है। 23 कहां पे आएगा? 37 कहां पे जाएगा? 23 के जगह पे। 23 किससे कंपेयर होगा? 12 से। स्वैपिंग है क्या? है। तो 12 यहां पे आ जाएगा और ये हो जाएगा। समझा ना ये? इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्शन सॉर्ट बोलते। क्या बोलते हैं इसको? सिलेक्शन सॉर्ट। ये हमने किया हुआ है, ठीक है ना, ये हमने किया हुआ है। नेक्स्ट जो चीज है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन। सुनो ना बच्चों, नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है? रिकर्शन है। रिकर्शन मतलब क्या रहता है? मतलब रिकर्शन मतलब क्या रहता है? हाँ बोल, बोलना तो पड़ेगा ना तेरे को, खड़ी हो जा। क्या रहता है? यही नहीं आता ना, बाकी सब आता है मेरे को। बात करने का कोई भी टॉपिक दे दो, बोल भाई रिकर्शन क्या रहता है? बैठ जा। सेल्फ को, सेल्फ कॉल होता है, तब तक कॉल करता है खुद को। मतलब उसमें मैंने 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 क्या बोला था? रिकर्शन मतलब क्या रहता है? कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन, कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन अंटिल एग्जिट कंडीशन इज मेट। तब तक कॉल करेगा जब तक एग्जिट कंडीशन अचीव नहीं होता, जब तक एग्जिट कंडीशन अचीव नहीं होता। तो रिकर्शन में हमेशा एग्जिट कंडीशन चाहिए ही चाहिए। रिकर्शन में हमेशा क्या चाहिए? एग्जिट कंडीशन चाहिए ही चाहिए। फोटो निकाल लेगा क्या तेरे को? बीमार हो गई वो, पानी दो उसको, पानी दो। रिकर्शन क्या रहता बच्चों? क्या रहता रिकर्शन? कॉलिंग द सेम फंक्शन अंटिल द एग्जिट कंडीशन इज मेट। कॉलिंग द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन अंटिल द एग्जिट कंडीशन इज मेट। क्यों चाहिए ये? क्यों चाहिए रिकर्शन चाहिए क्यों? यहां पे छोटा प्रॉब्लम मैं एक बार में करता हूं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसके लिए चाहिए। तो देखो यहां पे वही लिखा हुआ है, एक बार रीड करना, रीड कर क्या लिखा है, रीड कर। ठीक है, मतलब बेसिकली रिकर्शन जो इंप्लीमेंट होता है ना, वो किसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है? स्टैक के थ्रू। किसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है? वो स्टैक के थ्रू। कैसे इंप्लीमेंट होता है वो हम लोग देखेंगे, कैसे इंप्लीमेंट होता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पे देखो एक एक प्रोग्राम लिखा है, यहां पे एक प्रोग्राम लिखा है, रिकर्शन पे आ जाओ। तो यहां पे देखो फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। कौन सा प्रोग्राम लिखा हुआ है? फैक्टोरियल का। तो यहां पे फैक्टोरियल के अंदर मैंने पास क्या किया है? फैक्टोरियल के अंदर पास क्या किया है? एक वेरिएबल जिसका वैल्यू क्या होगा? जो मैं बोलेगा। अगर समझो मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो इनमें क्या आएगा? बच्चों देखो ना इधर पे, रिकर्शन जो है ना वो फंक्शन के थ्रू ही इंप्लीमेंट होता है। किसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है? फंक्शन के थ्रू। अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो एन क्या रहेगा मेरा? एन क्या रहेगा? 5 रहेगा। यहाँ पे फैक्टोरियल निकालते कैसे? फैक्टोरियल निकालते कैसे? अगर मैं बोलता हूँ 5 का फैक्टोरियल तो निकलता कैसे वो? क्या कैसे निकलता है? फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, सही कि नहीं? बार बार मगर क्या हो रहा है यहाँ पे? बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरा जो वैल्यू है वो एक से डिक्रीज हो रहा है। पहले 5 इंटू फोर था, फिर 5 इंटू फोर इंटू थ्री हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। समझा क्या ये? तो यहाँ पे सेम काम हो रहा है। यहाँ पे क्या किया है बताया? क्या देखो ना इधर, यहाँ पे मैंने 5 पास किया, फिर मैंने चेक किया। क्या चेक किया? मेरा जो एन का वैल्यू है 1 है क्या? अभी ये वन का चेक क्यों किया? मैंने क्या बोला सबसे पहले? तो इधर पे सुनो, इधर पे मैंने एन का वैल्यू लिया 5, एन का वैल्यू 5 लिया। मैंने क्या बोला था सबसे पहला स्टेटमेंट? रिकर्शन में एग्जिट कंडीशन जरूरी है। क्या जरूरी है? वो डिसाइड करता है कि रिकर्शन बंद कब होगा, रिकर्शन बंद कब होगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? जब एन का वैल्यू क्या रहेगा? तो जब एन का वैल्यू क्या है? तो माइनस, जब एन का वैल्यू 1 है तो रिटर्न करने के लिए बोला। जब एन का वैल्यू क्या है? 1 है तो रिटर्न करने के लिए बोला। मतलब जब एन का वैल्यू 1 रहेगा तब यह फंक्शन बंद हो जाएगा। जब एन का वैल्यू क्या होगा तो यह फंक्शन बंद होगा? 1 होगा। तो अगर एन का वैल्यू 1 हुआ तो यह फंक्शन बंद होगा। तो देखते हैं कि कैसे 1 होगा, देखते हैं 1 कैसे होगा। यहां पे
वन नहीं है, एन का वैल्यू वन नहीं है मतलब क्या होगा, एन का वैल्यू वन नहीं है मतलब क्या होगा, वन से ज्यादा, एन का वैल्यू वन नहीं है इसका मतलब क्या, वन से ज्यादा। वन से ज्यादा के केस में क्या किया है, रिटर्न एन इंटू एन का फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल ऑफ मतलब फाइव इंटू फोर माइनस फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव माइनस वन, मगर ये फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन फंक्शन को कॉल किया है, फाइव माइनस वन किसमें कॉल किया है, फंक्शन को। वापस से किसको कॉल किया, देखो फैक्ट को, किसको कॉल किया है, फैक्ट किसका नाम है, मेरे फंक्शन का फैक्ट किसका नाम है, फैक्ट किसका नाम है, देखो ना इधर पे किसका नाम है, फंक्शन का। तो फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, फाइव इंटू फैक्ट ऑफ फोर, फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, फाइव इंटू फैक्ट ऑफ फोर, सेकेंड टाइम पे क्या होगा, सेकेंड टाइम पे क्या होगा, फोर इंटू फैक्ट ऑफ थ्री, फोर इंटू फैक्ट ऑफ थ्री, उसके बाद क्या होगा, थ्री इंटू फैक्ट ऑफ टू, उसके बाद में क्या होगा, टू इंटू फैक्ट ऑफ वन, समझा क्या, जब ही वन मिलेगा उसको तो क्या करेगा वो बाहर आ जाएगा, किधर आ जाएगा वो बाहर। तो ये वर्क कैसे करता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वर्क कैसे करता है यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये वर्क कैसे करता है यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो क्या किया यहाँ पे, तो ये वर्क कैसे करता है मैं दिखाता हूं, ऑनलाइन इमेज लेके दिखाता हूं तुम्हें, समझाना फैक्टोरियल कैसे होता है वो समझाना। तो अगर मुझे किसी का भी फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करेगा, वो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल निकालेगा, फिर 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल निकालेगा, फिर 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल निकालेगा, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल निकालेगा, 1 जब भी आया तो क्या करेगा वो लूप से बाहर आ जाएगा, और ये सब जो वैल्यूज थे ना उसको पॉप करेगा, पॉप करते वक्त इंटू कर लेगा सबका और बाहर निकालेगा। तो हम लोग एक डायग्राम देखेंगे, मतलब ऑनलाइन में ढूंढ के दिखाता हूँ, उससे समझ जाएगा तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, लास्ट में मेरे को याद दिलाओ। शो विथ सुटेबल डायग्राम हाउ टू डिलीट अ नोड फ्रॉम अ सिंगली लिंक लिस्ट एट द बिगिनिंग इन बिटवीन एंड एट द एंड। ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो तुम्हारा लक है। क्या बोला है लोग ने, डायग्राम के साथ में दिखाना है कि बिगिनिंग में डिलीट कैसे होगा, एंड में डिलीट कैसे होगा और बिटवीन में डिलीट कैसे होगा। कौन से लिंक लिस्ट में बोला उसने, सिंगली लिंक लिस्ट में, मतलब यहाँ पे क्या करना है तुमको, अगर लिंक लिस्ट याद नहीं रहता ना तो ट्रेन का डब्बा याद रखो, अगर तुमको लिंक लिस्ट याद नहीं रहता तो ट्रेन के डब्बे याद रखो। अगर ट्रेन के डब्बे में से मुझे मुझे पहला डब्बा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंजन का डब्बा छोड़ के, इंजन क्या अपना स्टार्ट है, इंजन किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट डब्बे को, इंजन किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट डब्बे को। मेरे को पहला डब्बा निकालने का है, कैसे निकालूंगा मैं, मेरे को पहला डब्बा निकालने का, इंजन के बाद वाला डब्बा निकालने का, कैसे निकालूंगा तुम बताओ, कैसे निकालूंगा इंजन के बाद वाला पहला डब्बा निकालने का, कैसे निकालूंगा, इंजन किसको पॉइंट करना चाहिए, दूसरे डब्बे को, दूसरे डब्बे का एड्रेस किसके पास है मगर, पहले वाले डब्बे के पास, समझा क्या। तो देखो यहाँ पे इंसर्शन एट मतलब डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड अगर मुझे करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट किसको पॉइंट करना चाहिए, सेकेंड नोड को, और फर्स्ट नोड को फिर मैं डिलीट कर सकता है, फर्स्ट नोड को डिलीट फिर मैं कर सकता है, समझा क्या। ये इसको क्या बोलेंगे, डिलीशन एट बिगिनिंग, क्या बोलेंगे इसको, डिलीशन एट, अगर मुझे डिलीशन बीच में करने का, दो डब्बे हैं उसके बाद में मुझे डिलीट करने का, तो दो डब्बे के बीच में अगर डिलीट करने का तो क्या करना पड़ेगा, जो जो दूसरा डब्बा, जो तीसरा डब्बा डिलीट करने का उसके पहले कौन सा है, दूसरा है, और उसके बाद कौन सा है, चौथा, चौथा ना, दो डब्बे है मतलब तीसरे डब्बे को डिलीट करने का, तो तीसरे के पहले कौन सा है, दूसरा, दूसरे के बाद कौन सा है, सॉरी, तीसरे के बाद कौन सा है, चौथा है। तो मुझे अगर ये थर्ड डब्बे को डिलीट करने का ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड डब्बा किसको पॉइंट करना चाहिए, फोर्थ को, मगर फोर्थ का एड्रेस किसके पास है, थर्ड के पास है। तो ये एक लाइन लिखना पड़ेगा और ये डायग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा। देखो थर्ड वाला सेकेंड वाला किसको पॉइंट कर रहा है, फोर्थ को, थर्ड डब्बे को क्या किया वो लोग ने, रिमूव कर दिया, समझा ना। ये डिलीशन अटेंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिलीशन अटेंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंड लास्ट डब्बा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे समझेगा सेकेंड लास्ट डब्बा, ट्राइवर्स में लास्ट डब्बे तक करूंगा, मतलब दो पॉइंटर लो, एक क्या रहेगा प्री पीटीआर और एक रहेगा पीटीआर। पीटीआर क्या करेगा, लास्ट डब्बे को पॉइंट करेगा, और प्री पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, सेकेंड लास्ट डब्बे को पॉइंट करेगा। तो देखो यहां पे वही किया है, क्या किया है यहां पे, मेरा नाइन का वैल्यू रिमूव कर दिया, और ये जो लास्ट डब्बा है, सेकेंड लास्ट डब्बा है, उसको क्या सेट करेंगे हम लोग, नल। क्या सेट करेंगे हम लोग, ये भी हमने किया हुआ है,
समझाना बच्चों, कुछ डाउट है क्या? ऐसी खाली हिलाने के लिए सर हिला रहे तुम लोग। तो अभी जो पेपर किया हम लोग ने विंटर किया, समर समर वाला करके लेते अभी। ये सभी क्वेश्चंस तुमको आते थे लगभग, कोई क्वेश्चन वैसा नहीं था जो तुमको पोर्शन में करवाया नहीं है या हुआ नहीं है, ठीक है ना? तो उसका एक बाकी रह गया, कौन सा? रिकर्शन दिखाता हूँ ना, वो दिखाता हूँ डायग्राम वाला ना, दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, पहला क्वेश्चन इसका क्या है? फोर ऑपरेशन पता है ना, बोलो क्या क्या चार ऑपरेशन, यही एक तो आता है ना। क्यू फुल क्यू एम्प्टी कैसे समझता? क्यू फुल मैक्स माइनस वन है, रेयर इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन है, मतलब क्या है? क्यू फुल है। फ्रंट फ्रंट और रेयर दोनों माइनस वन है, इसका मतलब क्या है? एम्प्टी है। ये पता है तुमको? ये बताओ बाइनरी ट्री क्या रहता है, बाइनरी ट्री क्या रहता है? उसको उसको दो चाइल्ड रहते हैं, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड रहता है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड रहता है, और उसके तुमको पता है, ठीक है ना? पता है ना ये बाइनरी सर्च ट्री क्या रहता है? बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा लेफ्ट चाइल्ड क्या रहेगा, राइट चाइल्ड क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, यही डालना है, ठीक है ना? नेक्स्ट है शोधी, शोधी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग अरे, स्टैक यूजिंग अरे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे ये मेरा स्टैक है, ये मेरा स्टैक है, इसके अंदर वैल्यू क्या डाला मैंने? ABCDEF वैल्यू डाला, ठीक है ना? इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या रहेगा? ए ऑफ जीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू, ए ऑफ थ्री, ए ऑफ फोर। ये जो अरे के पोजिशन है वो कौन से मेमोरी में रहेंगे ना? अभी ये इंटीजर टाइप का है, ये जो वैल्यू है ये इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर को कितना मेमोरी लगता है? टू बाइट का मेमोरी लगता है। इसलिए देखो इसका एड्रेस दो से बढ़ रहा है, इसका एड्रेस किससे बढ़ रहा है? आईसी बीच में से एक से बढ़ा है उसने। ये कैर वैल्यू है ना, कैर वैल्यू है तो एक से बढ़ेगा। तो यहाँ पे 2000 के बाद में वन आना चाहिए था, टू आना चाहिए था, थ्री आना चाहिए था, फोर आना चाहिए था। समझाना, ये समझाना बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या रहता है? ये पता है तुमको? पता है ना? फिर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या रहता है? बोलो, पता है क्या? बोल तू। हाँ बोल, लीनियर क्या रहता है? बोल। लीनियर वे में रहता है और नॉन लीनियर में नॉन सिक्वेंशियल। लीनियर डेटा क्या रहता है? सिक्वेंशियल ऑर्डर में वैल्यूज आता है, नॉन लीनियर में कैसे भी रैंडम ऑर्डर में आता है। लीनियर का एग्जांपल क्या क्या है? स्टैक क्यू। नॉन लीनियर का एग्जांपल क्या है? ट्री ग्राफ है। लीनियर का फायदा क्या है? लीनियर का फायदा क्या है? सर्च करना आसान है उधर पे, जल्दी मिलता नहीं है। जल्दी मिलने का चांस किसमें? ट्री में। उल्टा ट्री में मिलने का चांस ज्यादा है, जल्दी है। बैठ जाओ, समझाना बच्चों। ये अभी यहाँ पे एक और डिफरेंस है, क्या है कि मेमोरी मेमोरी जो लोग को एलोकेट होता है ना वो कैसा होता है पता है क्या? कंटिन्यूअस होता है, मतलब कंटिन्यूअस रहेगा, मतलब पहला मेमोरी एक को दिया तो दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को। मगर नॉन लीनियर में वैसा होगा नहीं, कहीं पे भी रैंडमली मेमोरी देंगे। अभी ये तुम्हारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने का आता है क्या? ये आता है तो देखते क्या है ये। सबसे पहले नहीं लू क्या? पक्का? ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है रे, मेरे को उल्टा अच्छा है। क्या बोलो? बाइनरी सर्च ट्री सेकंड क्वेश्चन करना है ना अपने को, उसके बाद फोटो भी निकालना है अपने को। नहीं चाहिए, ठीक है फिर तुम लोग ये सेकंड क्वेश्चन करने के बाद जाओ, देख लेते हैं। बाइनरी सर्च ट्री पता है ना तुमको? करूँ क्या ये मैं? क्या रहता है बाइनरी सर्च ट्री में? तीन चीज बताओ, लो मिड और हाई। मिड आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं अपन? मिड का वैल्यू से, मिड के वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं सर्च वैल्यू से। अगर वो छोटा निकला तो कौन से साइड में करेंगे? लेफ्ट में। अगर करना है तो क्या चेंज होगा? हाई 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 क्या रहता है? मिड माइनस वन। लो क्या रहता है? पता ही है तुम लोग, वेरी गुड। तो इसके आगे वाला देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू ट्राइवर्स अ लिंक लिस्ट। तो प्रोग्राम नहीं देखते, सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू पता है तुमको?
सुनो ना सुनो, एक्सप्लेन इन डिग्री एंड आउट डिग्री, ये पता है तुमको, पता है तुमको, प्रोग्राम है, नहीं करते क्या? थर्ड क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन आ गया, सुनो सुनो। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीबीएमएस का ज्यादा करेंगे और इसका इसका ऑलमोस्ट